बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है वो कैसा होता है। तो जहाँ पर आप लोगों ने चार फेजेस देखे थे माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स को, आप ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्रोथ कर्व में आपने चार फेजेस देखे थे, लाइक इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसे नंबरिंग कर देता है ए बी सी और डी, और इसको डिफाइन करने के लिए बोलता है कि आप इनको डिफाइन कीजिए कि क्या होते हैं, राइट। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे एक्सिस है और इस तरीके से एक्सिस पे आपको ये दे देगा एज ए ग्राफ, और आपको डिफाइन करने के लिए भी आता है कि ए बी सी डी यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है और क्या इसको इसके बारे में सिग्निफिकेंस है, ऐसे भी कभी कभी देता है। या फिर आपको डायरेक्टली मतलब मटेरियल ग्रोथ कर्व के बारे में ही आपको पूरा डिफाइन करने के लिए आ जाता है। काइनेटिक्स वर्ड जहाँ कहीं पे भी जुड़ जाता है, चाहे आप उसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या फिर आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स वर्ड जहाँ पे भी जुड़ेगा वहाँ इसका मीन हो जाता है कि कोई भी काम टाइम के रेफरेंस में हो रही है, चाहे वो रेट की बात की जा रही हो, चाहे स्पीड की बात की जा रही है, चाहे वेलोसिटी की बात की जा रही होगी, टाइम के रेफरेंस की बात जहाँ पे होती है उसे आप काइनेटिक्स के नाम से जोड़ देते हैं। तो बैक्टीरिया का एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, या बैक्टीरिया का अपने नंबर ऑफ कॉपीज को डबल करने में क्या रेट है, कितना टाइम वो लगा रहा है, उसको आप बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे दो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी, और आपने इन दोनों बैक्टीरिया को 30 मिनट्स के लिए क्या किया, किसी एक सूटेबल कंडीशन और सूटेबल मीडिया में डाल करके इन्हें ग्रोथ कराने की कोशिश की, तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। हो सकता है कि ये वाला बैक्टीरिया आपका एक नंबर से क्या कर सकता है, दो नंबर बना ले। हो सकता है दो नंबर से आपका क्या करे, चार नंबर भी बना ले। जबकि बैक्टीरिया बी जो है आपका, मान लीजिए आपका क्या है, एक से क्या करेगा, सिर्फ दो बना पाया। इस तरीके से अगर ऐसे परिणाम और रिजल्ट अगर आपके पास आते हैं, आप इनसे क्या बताते हैं, इनसे आप ये बता सकते हैं कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, चूंकि इसकी पॉपुलेशन क्या है आपकी ज़्यादा दिख रही है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ग्रोथ रेट क्या है, ज़्यादा है। मतलब कि इसके पास अपने आप को डबल करने की रेट क्या है, ज़्यादा है। कम टाइम में मैक्सिमम पॉपुलेशन जनरेट करने वाले की ग्रोथ रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ग्रोथ रेट का मतलब ही हो जाता है कि जो भी आपकी जनरेशन नंबर है, जो भी आपका जनरेशन के बाद जो आपकी डेंसिटी है, सेल नंबर डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम ड्यूरेशन में एक स्पेसिफिक टाइम में जो भी आपका सेल का नंबर आ रहा है उसको आप ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। सो किसी भी बैक्टीरिया का एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, या एक फिक्स टाइम पे जो उनके इनिशियल सेल नंबर से फाइनल सेल तक जाने तक, फाइनल टाइम तक जाने पर जो भी सेल के नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा होता है उसको हम बेसिकली ग्रोथ रेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और उसी को अगर हम लोग स्टडी करें टाइम के रेफरेंस में, तो उसको हम ग्रोथ काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ करने की रेट क्या है, कितना टाइम लग रहा है उसको अपने संख्या को एक से डबल करने में, और उसकी रेट कितनी है, या फिर उसका उसका जनरेशन नंबर कितना है किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको ग्रोथ काइनेटिक्स में जानने को और पढ़ने को मिलता है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप दो तीन सवालों के जवाब बड़े आसानी से दे पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं इनिशियली आपसे पूछूं कि आपके पास इनिशियली एक बैक्टीरिया है जिसका पॉपुलेशन मान लीजिए 10^3 था, और ये बैक्टीरिया 60 मिनट के लिए क्या किया गया, इंक्यूबेट किया गया किसी इंक्यूबेटर सेकर में, और 60 मिनट के बाद देखा गया तो यहाँ पे 10^9 सेल्स क्या हुआ, यहाँ पे दिखाई दिया। सो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूँ कि इस बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कितना है, या ग्रोथ रेट कितनी है, या डबलिंग टाइम कितना है, तो शायद अभी आपको बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि हम नहीं बता पाएंगे, या अगर कोशिश करेंगे तो आप बता भी सकते हैं। सो ग्रोथ काइनेटिक्स को पढ़ने के बाद आप इन टाइप के सवालों का जवाब बड़े आसानी से आप दे पाएंगे। आप इस कंडीशन में हो जाएंगे कि आप समझ पाएंगे कि अगर आपके पास इनिशियल सेल नंबर है और फाइनल सेल नंबर है, और टाइम भी अगर आपको दे रखा है, तो आप उनके जनरेशन टाइम को, जनरेशन नंबर को, ग्रोथ रेट को, इन सबको बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। सो देखेंगे कि इस ग्रोथ काइनेटिक्स में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है बैक्टीरिया को लेकर के, और किस तरीके से आप इसके बारे में स्टडी करते हैं। ग्रोथ कर्व जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे नॉर्मल कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी नॉर्मल ऐसे सपोर्टिव मीडिया में अगर ग्रोथ कराया जा रहा है, तो वहाँ पे चार फेजेस में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया के पूरे लाइफ साइकिल को। मतलब ये बिहेवियर के स्टडी किया गया, और ये पाया गया कि जब किसी भी फ्लास्क में, किसी भी ट्यूब में, किसी भी अप एंड ड्रॉप में, अगर आप जो कि एक नॉर्मल कल्चर मीडिया है, उस कल्चर मीडिया में आप क्या करते हैं, बैक्टीरिया के कुछ पॉपुलेशन को डाल देते हैं ग्रोथ करने के लिए,
इस बैक्टीरिया का इस मीडिया में, जो कि एक लग्जूरियस मीडिया था, सपोर्टिव मीडिया, इस मीडिया में जो बिहेवियर आया टाइम ड्यूरेशन के बाद, उनको चार कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। सो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हैज फोर डिस्टिंक्ट फेज। कौन कौन से फेज हैं? वो यही फेज है जो कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड सेंसर फेज या डेथ फेज या डिक्लाइन फेज के नाम से भी जाना जाता है। सो लैग फेज के बारे में भी बताया गया आपको, इन चारों फेज के बारे में कल की क्लास में आपको स्टडी कराई गई थी और आपको बताया गया था कि जहाँ कहीं पे भी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि लैग फेज की प्रॉपर्टी क्या होगी। दैट मीन देर इज अ नो इंक्रीमेंट इन सेल नंबर बट देर इज अ मेटाबोलिज्म इज हैपेंड एंड देर इज अ इंक्रीज इन साइज। सेल के साइज में क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन सेल के नंबर में यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो ये ऐसा फेज होता है जहाँ पे पॉपुलेशंस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होती है लेकिन उनके साइज में क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है। लॉग फेज ऐसा होता है जहाँ पे पॉपुलेशंस में बहुत तेजी से क्या हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है। इसको आप बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल सेल्स अपनी संख्या को हर टाइम पे डबल कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे मैं दूँ कि एक ऐसे आपके पास ग्लास है और इस ग्लास का मान लीजिए कि पूरा वॉल्यूम 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर है, आपको इनिशियली इस ग्लास में बैक्टीरिया का एक वॉल्यूम दिया गया जिसको मान लीजिए कितना आपका ये 100 ml है, कितना है 100 ml है, और ये बैक्टीरिया 30 मिनट के टाइम पर क्या करता है, इसकी डबलिंग टाइम है, क्या है डबलिंग टाइम है, मतलब 30 मिनट्स के बाद की संख्या जो होगी वो क्या होगी आपकी, डबल हो जाएगी, राइट। अगर ये एक सेल था तो क्या हो जाएगा, 2 सेल हो जाएगा हर 30 मिनट के बाद। तो यहाँ पे सवाल आपको दिया गया कि मान लीजिए ये एक पूरा लीटर का आपका एक वॉल्यूम का ग्लास है और इसमें आपने 100 ml मीडिया को भर करके, 100 ml यहाँ पे क्या किया है, मीडिया लिया है और उसमें आपने बैक्टीरिया को डाला हुआ है। यहाँ पे सपोज आप ये कर लीजिए कि अब चूंकि बैक्टीरिया की डिवीजन होने से वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, तो ये मान लीजिए कि पूरा ये होल कैपेसिटी तक का आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल कि वॉल्यूम यहाँ पे भरा हुआ पानी या लिक्विड या मीडिया भरा हुआ है आपका, उसमें से ये पूरा लिक्विड मीडिया भरा हुआ है यहाँ पे, उसमें से 100 ml क्या है आपके पास, बैक्टीरिया है, क्या है बैक्टीरिया है। सो कितना जनरेशन टाइम लगेगा, मतलब कितना जनरेशन लगेगा इस बैक्टीरिया को इस पूरे फ्लास्क को कवर करने में, मतलब पूरा वॉल्यूम में जितना लिक्विड भरा हुआ उसमें से पूरा बैक्टीरिया हो जाए, या दूसरा सवाल ये है कि कितना साइकिल चलेगा कि ये आपका बैक्टीरिया पूरे ग्लास को फुल फिल कर देगा। सवाल मेरा पहला है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि ये बैक्टीरिया पूरे ग्लास को कवर अप कर लेगा, और कितनी साइकिल चलेगी कि बैक्टीरिया पूरे ग्लास को कवर अप कर लेगा अगर 1 लीटर वॉल्यूम का पूरा ये ग्लास है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे 100 ml क्या है आपके, बैक्टीरियल सेल्स हैं। बताइए, यहाँ पे दे रखा है कि 30 मिनट के बाद ये क्या कर सकता है, डबल कर सकता है। सवाल समझ में आया है? सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि एक ऐसे आपके पास फ्लास्क है या कोई ग्लास है जिसकी वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, 1 लीटर है। इस 1 लीटर में आपका क्या है, 100 ml यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर भरा हुआ है, मतलब बैक्टीरिया है यहाँ पे 100 ml, और बाकी आपका पूरा ये 9 ml क्या है, लिक्विड मीडिया भरा हुआ है। इस बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम कितना है, 30 मिनट्स है, कितना है 30 मिनट्स है, मतलब हर 30 मिनट्स पे ये अपनी संख्या क्या कर सकता है, डबल कर सकता है। तो सवाल मेरा ये है कि कितना जनरेशन लगेगा इस बैक्टीरिया को, जनरेशन नंबर, कितना जनरेशन नंबर लगेगा इस बैक्टीरिया को पूरा ग्लास को कवर अप करने में, दूसरा टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा इस बैक्टीरिया को पूरा ग्लास को भरने में। चार जनरेशन, चलिए इन्होंने बता दिया चार जनरेशन लगेगा, और कोई चलिए मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ 100 को अगर हम लोग मान लीजिए 1 मान लेते हैं तो पहले 1 से क्या बनाएगा, 2 बना लेगा, राइट, और फिर 2 से क्या बनाएगा यहाँ पे, 4 बना लेगा, ओके, फिर 4 से क्या बनेगा भैया यहाँ पे, 8 बन जाएगा, बनेगा, और फिर 8 के बाद फिर क्या बनेगा यहाँ पे, 16 बनेगा। तो 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4th जनरेशन, मतलब कि लगभग
फोर्थ जनरेशन के हाफ में ही इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट टाइम लगाएंगे कि एक जनरेशन में टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है, तो चार जनरेशन में कितना लगेगा, लगभग 120 मिनट। तो 120 मिनट में ही ये बैक्टीरिया पूरे ग्लास को क्या करेगा, भर देगा। ओके, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं ग्रोथ वाले, काइनेटिक्स वाले टॉपिक से। समझ में आया ये क्वेश्चन सब लोगों को? चलिए, सो यहाँ पर आपको चार फेजेस दिखाए गए हैं और इन चारों फेजेस के बारे में प्रॉपर्टीज आप पढ़ करके आए हैं। यहाँ पे फिर से आप एक बार ग्राफ देख लीजिए, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिप फेज या डिक्लाइन फेज के बारे में आप इसको जानते हैं, राइट। जब आप यहाँ पे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है इनको ये काइनेटिक्स किया कैसे जाता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, मीडिया में ग्रो कराते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या करते हैं, ओडी लेते हैं, राइट, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजरमेंट करते हैं। तो इनिशियली जो आपकी ओडी आती है ना, वो ओडी की वैल्यू लगभग लगभग नियर बाई आती है, तो सेम सेम आती है। जैसे मान लीजिए 0.02 आया, इसका 0.03 आया, इसका 0.02 आया, इस तरीके से आता जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे कि वैल्यू अचानक से क्या करती है, बढ़ जाती है, 0.1 में आना शुरू हो जाती है, 1.2 आ गया, फिर इसके बाद 0.24 आ गया, फिर इसके बाद 0.36 आ गया, फिर इसके बाद 0.48 आ गया, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इनके नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये बराबर बराबर आना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे घटना शुरू हो जाएगा। उन्हीं ओडी की वैल्यू को लेकर के जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरह के ग्राफ दिखाई देता है। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं हो रही है। यहाँ पर ये जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका फ्लास्क था या जो भी आपने मीडिया लिया हुआ था, उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी, मतलब वहाँ पे ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से उसकी टर्बिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बढ़ता हुआ दिखाई आपको नहीं दे रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी क्या हो रही है, ओडी की वैल्यू घट रही है, मतलब उसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि सारे सेल्स धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, मर रहे हैं। सो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स में या कर्व में चार फेजेस हैं, और इन चारों फेजेस के बारे में कल क्लास में आपको बताया गया था और आपने समझा भी था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रोथ काइनेटिक्स में एक टर्म आता है जनरेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस डबलिंग साइकिल इन अ गिवन टाइम। जनरेशन नंबर का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली जो भी पॉपुलेशंस है उसको डबल करने में, मतलब कि जो भी आपका एक गिवन टाइम में पॉपुलेशंस जो डबल कर रहे हैं, उसके लिए जो साइकिल चल रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ जनरेशन नंबर के नाम से जानते हैं। जनरेशन नंबर को यहाँ पे निकालने का तरीका है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग ई लॉग सी ई माइनस लॉग सी ओ, और जहाँ पे लॉग की वैल्यू आपको निकालना होता है, डिवाइड बाय पूरे के डिवाइड बाय टू होता है। और यहाँ पे लॉग सी ई जो है वो क्या है, ओडी वैल्यू ऑफ अ कल्चर एट द एंड पॉइंट, मतलब कि जब आप अपना एक्सपेरिमेंट लगाए हुए हैं, मान लीजिए आपने ये एनालिसिस आपने करना शुरू किया था, इनिशियली आपने क्या किया, टाइम जीरो लेकर के चले आप, और इसका पूरा का पूरा आपने टाइम ड्यूरेशन कितना दिया, मान लीजिए 12 घंटे तक का फॉर एग्जांपल, और आपने क्या किया है, हर 30 मिनट के इंटरवल पे आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ओडी ली हुई है, 30, 60, 90, 120, 150, 180, इस तरीके से 30 मिनट्स की बेसिस पे क्या करते हैं, आप ओडी लेते हैं। तो ये जो लॉग सीई है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, सबसे एंड पॉइंट पे लिया गया आपका ओडी की वैल्यू होता है, और लॉग सी ओ जो होता है वो सबसे इनिशियल पॉइंट में टाइम जीरो पे, ये ओ का मतलब है इनिशियल मीन्स टाइम जीरो पे, और ई का मतलब है एंड पॉइंट पे जहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है, उन दोनों की ओडी की वैल्यू है। तो आप बोल सकते हैं इसको फाइनल भाषा में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल लॉग की वैल्यू डिवाइड बाई लॉग टू। इस नंबर से या इस फॉर्मूले से आप किसी भी बैटरिया का जनरेशन नंबर क्या करते हैं, निकाल पाते हैं, जहाँ पे लॉग सी की वैल्यू क्या बताता है कि जो भी उस एक्सपेरिमेंट का लास्ट मोमेंट था या लास्ट टाइम था, अगर आपने 7 घंटे के लिए एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया है तो आपका 7 घंटा आपका सी की वैल्यू होगी, आपने 10 घंटे का एक्सपेरिमेंट लगाया है तो आपका 10 घंटा ही ई होगा, सी होगा, मतलब जो भी आपका लास्ट पॉइंट होगा उसको आप बोलते हैं सी। और जबकि सी का मतलब होता है जब आपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया, जब आपने बैटरिया को कल्चर में डाला, उसी टाइम पे ली गई जो वैल्यू होती है उसको आप बोलते हैं जीरो टाइम या टी जीरो के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे थोड़ा इसको और अच्छे समझ लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, फ्लास्क है, और यहाँ पर आपने क्या किया है, मीडिया रखा हुआ है, राइट। जिस टाइम पर आपने बैटरिया को इसमें क्या किया, इनोकुलेट किया है,
उसी टाइम पर आप क्या करेंगे, सैंपल को निकालेंगे और इस सैंपल को क्या करेंगे, ओडी लेंगे, उसको आप बोलते हैं दैट इज अ टी नॉट, क्या बोलते हैं, टी नॉट। फिर आपने क्या किया, इसको रख दिया कहाँ पे, शेकर पे, और शेकर पे चला दिया आपने इसको 120 की स्पीड पे 28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, और फिर 30 मिनट के बाद आपने क्या किया, फिर से सैंपल यहाँ से निकाला, 30 मिनट बाद फिर से क्या किया, अपना सैंपल निकाला, फिर से आपने ओडी लिया, और इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ टी वन। ऐसे ही हर 30 मिनट के इंटरवल पे आप ओडी लेते जाते हैं, उसको टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर इस तरीके से बोलते हैं, और लास्ट में सबसे जो आपका ओडी लिया जाएगा उसको आप बेसिकली एंड पॉइंट बोलते हैं, और उस एंड पॉइंट पे ली गई जो ओडी की वैल्यू होती है उसको सी नॉट या सी जीरो के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद है जनरेशन टाइम। टाइम इट टेक्स अ पॉपुलेशन टू डबल इन साइज, किसी भी बैक्टीरिया को अपनी संख्या से डबल संख्या बनाने में लगने वाला जो टाइम होगा उसको आप बोलते हैं दैट इज अ जनरेशन टाइम। जनरेशन नंबर और टाइम में डिफरेंसेस है। यहाँ पे है कि एक फिक्स गिवन टाइम में अपनी पॉपुलेशन को कितना टाइम्स क्या कर रहा, साइकिल को बढ़ा पा रहा, साइकिल चला पा रहा है। जैसे मान लीजिए 10 मिनट का टाइम यहाँ पे आकर आपको दे दिया गया, तो 10 मिनट में ये कितनी साइकिल चल पाएगा इसको आप बोलेंगे जनरेशन नंबर। और ये आपका एक साइकिल को चलाने में जो टाइम आपका ले रहा है उसको आप बोलेंगे जनरेशन टाइम, चाहे वो 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो, जो भी कुछ होगा उसको आप बोलते हैं दैट इज द जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम को निकालने के लिए फार्मूला क्या है, दैट इज द जी टी, जनरेशन टाइम इज इक्वल टू टी बाई एन, जहाँ पे टी क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम का मतलब कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया है और आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो वो जो फिक्स टाइम वैल्यू होगी उसको आप बोलेंगे स्पेसिफिक टाइम, और एन क्या होगा, दैट इज द जनरेशन नंबर होगा। तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जो भी जनरेशन नंबर आया होगा इस वाले फार्मूले से, ऊपर वाले से, वो एन की नंबर को क्या करेंगे, टाइम से रेशियो निकालेंगे। तो टाइम डिवाइड बाई नंबर इज इक्वल टू जनरेशन टाइम, कि उस फिक्स इंटरवल टाइम तक में कितना नंबर ऑफ जनरेशन वो कितनी बार अपने आप को क्या कर चुका है, दैट इज द डिवाइड कर चुका है, उसमें कितना टाइम लगा है, यही आपको निकालने के लिए दिया जाता है जनरेशन टाइम को। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशन पर यूनिट टाइम, एक फिक्स इंटरवल में या फिक्स यूनिट टाइम में जो भी आपके नंबर ऑफ जनरेशन बन पा रहे हैं उनको आप बोलते हैं दैट इज द ग्रोथ रेट। तो सिंपली डिवीजन करने का जो रेट है कि आपका एक मिनट में कितनी बार डिवाइड कर पा रहा है, 5 मिनट में कितनी बार डिवाइड कर पा रहा है, 10 मिनट में कितनी बार डिवाइड कर पा रहा है, उसी डिवीजन के रेट को आप ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। तो ग्रोथ काइनेटिक्स में तीन टर्म्स आपके पास आएंगे, जनरेशन नंबर, जनरेशन टाइम और ग्रोथ रेट, और इन तीनों को ही अच्छे से समझ लीजिए और इनके फॉर्मूले को भी जान लीजिए। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू होता है के इज इक्वल टू एन बाई टी, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे टी बाई एन होता है, यहाँ पे एन बाई टी, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है और उसमें बनने वाले जो आपके नंबर हैं, मीन्स जनरेशन जो नंबर आई है, उन दोनों के रेशियो को आप बोलते हैं दैट इज द जनरेशन टाइम। जब ग्रोथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशन डिवाइड बाई टाइम, उसको आप बोलते हैं दैट इज द ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट, जनरेशन टाइम, जनरेशन नंबर, ये तीन टर्म्स आपको मिलेंगे ग्रोथ काइनेटिक्स में, और इनको निकालने का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिया गया, लॉग सी माइनस लॉग सी ओ अपॉन लॉग टू। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग का वैल्यू एग्जाम में दिया भी रहता है, और आप उसको मतलब आपके हेल्प के लिए रहेगा कि आप ऐसे अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे फैसिलिटी रहेगी कि आप लॉग टू की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, और नहीं तो बहुत सिंपल सा है, उसको आप याद भी रख सकते हैं, पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसको आपने यहाँ पे देखा कि ये जो फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले से कैसे आप इन चीज़ों को निकाल पाएंगे, जनरेशन नंबर का, जनरेशन टाइम का, जनरेशन रेट का। तो अगर अभी आपको कुछ डाउट है इन तीनों कॉन्सेप्ट में तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आके अभी इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ें, ओके।